लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने के बाद अभी तक तीन चरण का आगाज हो चुका है। कुल मिलाकर 543 लोकसभा सीटों में से लगभग 282 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इससे पहले 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग हुई थी। तीसरे चरण के बाद अब सबकी निगाहें चौथे चरण पर जाकर टिक गई हैं। बता दें कि अब 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग होगी। लोकसभा के चौथे चरण में 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसमें उत्तर प्रदेश की 13, तेलंगाना की 17, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 8, झारखंड की 4, ओडिशा की 4, आंध्र प्रदेश की 25 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग होनी है। पहले, दूसरे और तीसरे चरण के बाद चौथे चरण में भी कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लोकतंत्र के महापर्व के चौथे चरण में मोदी सरकार के 5 केंद्रीय मंत्री, 1 पूर्व सीएम, 1 एक्टर और 2 क्रिकेटर समेत 1717 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव का परिणाम 4 जून को सामने आएगा। चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, शत्रुघ्न सिन्हा, महुआ मोइत्रा, अर्जुन मुंडा, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी, माधवी लता, गिरिराज सिंह, अधीर रंजन चौधरी, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी जैसे दिग्गज उम्मीदवार चुनावी दंगल में हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में चौथे चरण के 96 में से 42 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 2009 में बीजेपी ने इनमें से सिर्फ 10 सीटें ही जीती थी, जबकि 2014 के चुनाव में 38 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आइए जानते हैं कि चौथे चरण में कौन कौन सी हॉट सीटें हैं और किस पार्टी से कौन से प्रत्याशी को चुनावी दंगल में उतारा गया है। उजियारपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि आरजेडी की तरफ से हैं आलोक कुमार मेहता। वहीं बीएसपी मोहन कुमार मौर्य को चुनाव लड़वा रही है। बेगूसराय लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी की तरफ से केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में हैं। वहीं बीएसपी ने चंदन कुमार दास को टिकट दी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से यहां अवधेश कुमार राय उम्मीदवार हैं। खीरी लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने यहां केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर दांव खेला है। समाजवादी पार्टी की तरफ से होंगे उत्कर्ष वर्मा, जबकि बीएसपी की तरफ से अंशय कालरा चुनावी मैदान में हैं। खूंटी लोकसभा सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को टिकट दी है। कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में हैं कालीचरण मुंडा और बीएसपी की तरफ से हैं सावित्री देवी। सिकंदराबाद लोकसभा सीट की बात करें तो यहां बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को टिकट दी है। कांग्रेस ने टिकट दी है दानम नागेंद्र को। वहीं बीएसपी ने बसवानंदम दांडेपो पर भरोसा जताया है। वहीं बीआरएसएफ की तरफ से पद्मराव टी चुनावी मैदान में हैं। सिंहभूमि लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी की तरफ से गीता कौड़ा, जेएमएम की तरफ से जोबी मांझी और बीएसपी की तरफ से परदेशी लाल मुंडा चुनावी मैदान में हैं। बात करें हैदराबाद लोकसभा सीट की तो यहां से बीजेपी की माधवी लता चुनावी मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से हैं मोहम्मद वलीउल्लाह समीर, बीएसपी की तरफ से हैं केएस कृष्णा, जबकि बीआरएस ने श्रीनिवास यादव गड्डाम को टिकट दी है। करीमनगर लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से बंदी संजय कुमार चुनावी मैदान में हैं, बीएसपी की तरफ से मारेपल्ली मोगिया और बीआरएस की तरफ से विनोद कुमार बोयानापल्ली चुनावी मैदान में होंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से हैं वेलचला राजेंद्र राव। बीड लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में पंकजा मुंडे होंगी। वहीं शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बजरंग मनोहर सोनवाड़े चुनावी मैदान में हैं, जबकि बीएसपी की तरफ से सिद्धार्थ राजेंद्र टकनकर चुनावी मैदान में होंगे। कन्नौज लोकसभा सीट की बात करें तो यहां बीजेपी ने मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। बीएसपी ने इमरान बिन जफर पर भरोसा जताया है। बात कर ले बहरामपुर लोकसभा सीट की तो कांग्रेस की तरफ से होंगे अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी की तरफ से यूसुफ पठान, बीजेपी ने निर्मल कुमार साहा को टिकट दी है, जबकि बसपा ने संतोष विश्वास पर विश्वास किया है। कृष्णानगर लोकसभा सीट पर टीएमसी की तरफ से होंगी महुआ मोइत्रा, बीजेपी की तरफ से अमृता राव, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की तरफ से एसएम शादी चुनावी मैदान में होंगे। वर्धमान लोकसभा सीट की बात करें तो यहां टीएमसी ने क्रिकेटर कीर्ति आजाद को टिकट दी है, बीजेपी ने भरोसा जताया है दिलीप घोष पर। वहीं बीएसपी ने प्रभुनाथ साह को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की तरफ से सुकृति घोषाल चुनावी मैदान में हैं।
बात करें आसनसोल लोकसभा सीट की, तो यहां टीएमसी की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा हैं, बीजेपी की तरफ से एसएस अहलूवालिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की तरफ से जहांआरा खान चुनावी मैदान में हैं, जबकि बीएसपी ने सन्नी कुमार साह पर भरोसा जताया है। उन्नाव लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी की तरफ से साक्षी महाराज चुनावी मैदान में हैं, सपा की तरफ से होंगे अनु टंडन, जबकि बसपा की तरफ से अशोक कुमार पांडे चुनावी मैदान में हैं। चौथे चरण के किले को फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चौथे चरण में प्रचार के दौरान राजनेताओं की तरफ से कई ऐसे बयान दिए गए जिसने खूब सुर्खियां बटोरी, चाहे सैम पित्रोदा का बयान नस्ल के आधार पर हो या फिर पीएम मोदी का बयान अडानी अंबानी पर हो। लिहाजा चौथे चरण के मास्टर स्ट्रोक में जनता मोदी की गारंटी पर मोहर लगाती है या फिर कांग्रेस के न्याय पत्र पर। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।